देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। मंदसौर मामला मंदसौर जिले की शामगढ़ का है, जहां आज मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई। एक अज्ञात महिला ने जन्म के ठीक बाद ही अपने बच्चे को शामगढ़ मस्जिद के पास स्थित नाली में फेंक दिया। एक और मानवता शर्मसार हुई। वहीं दूसरी ओर इस हृदय विदारक घटना की सूचना वहां से गुजर रही 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला हब्बन आपा ने भीड़ को हटाकर तत्काल निर्णय लेकर बच्चे को नाली से बाहर निकाला, बच्चे के मुंह से गंदा पानी हटाया, साफ किया, पड़ोस से कपड़े मंगवाए, गर्म पानी से कीचड़ साफ किया। पुलिस भी पहुंच गई, स्वयं अस्पताल बच्चे को चादर में लपेटकर सीने से लगाकर हॉस्पिटल पहुंची। वहां डॉक्टर राकेश पाटीदार, डॉक्टर मनीष दांगड़ व उनकी टीम, स्टाफ नर्स पूजा पवार, आया जयश्री दीक्षित, सफाईकर्मी ज्योति ने तत्काल बच्चे को संभाला, बच्चे की सफाई कर बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन दी। बच्चे को ऑक्सीजन व गर्मी की तत्काल ज़रूरत थी। बेबी बार्मर से गर्माहट दी, बच्चे को तुरंत इलाज मुहैया होने से बच्चा स्वस्थ हो गया। सामगढ़ की टीम ने हॉस्पिटल में 1.5 घंटे तक बच्चे की देखरेख की, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ था। 108 से जिला चिकित्सालय भेजा गया। एम्बुलेंस, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन शंभूलाल मीणा, पायलट अब्दुल रहीम 1 घंटे में शामगढ़ से मंदसौर लेकर पहुंच गए, जिसमें शंभूलाल मीणा पूरे रास्ते नवजात को अपनी गोद में लेकर बैठे रहे। जब मंदसौर जिला चिकित्सालय लाया गया, तब वहां मौजूद मीडिया साथी आकाश चौहान ने खुद बच्चे की चिंता कर मोर्चा संभाला और जैसे ही नवजात बच्चा हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक नवजात के इलाज के लिए पूरी तैयारियां करवा दी और नवजात के गहन शिशु इकाई में भर्ती करवा दिया गया। अब नवजात बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और डॉक्टर भी पूरी तरह से नवजात के ऊपर अपनी नज़र बनाए बैठे हैं। मंदसौर जिला चिकित्सालय में बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता ने बताया कि बच्चे की हालत अभी गंभीर है, उसके मुंह में नाली का पानी गया था। हालांकि एंटीबायोटिक भी दिया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात रही कि बच्चे को समय पर जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, बाकी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं इनकी बच्चे को जिंदगी लेना तो उसके हाथ में, अपन तो बाहर तो निकाल लो इसको, मैंने बाहर निकाल लिया उसको, अखबार का कपड़ा पड़ा हुआ टुकड़ा पड़ा था उससे खींच के बाहर निकाल लिया। फिर मोहल्ले वाली औरतें के ऊपर चिल्ले में कोई कपड़े धो, इस बच्चे को साफ करूँ। फिर गर्म पानी भी करा मोहल्ले वाली औरतें ने, बच्चे को कपड़े भी दिए, बच्चे को कपड़े भी फिराए। फिर पुलिस वाला आ गए, पुलिस वाले पुलिस को सूचना किसने दी थी? वो इब्राहिम ने, इब्राहिम ने। आस पड़ोस वालों ने किसी ने देखा था कि किसी को बच्चे को छोड़ते हुए डालते हुए? अब ये मुझे पता नहीं बताया, अच्छा, बात मुझे याद नहीं। अच्छा, उसके बाद बच्चे को ले जाने के बाद कहाँ ले गए थे आप लोग? अस्पताल ले गए। अस्पताल में कहा कि बच्चा किसी को नहीं दूंगी, बच्चा मैं ही रखूंगी, क्योंकि मैं नए कपड़े पहन के गई थी तो मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो गए उस बच्चे के पीछे। मैंने बच्चे को तो मैं किसी को नहीं दूंगी, बच्चे को तो मैं ही रखूंगी। पुलिस वाले ने कहा चाची आपको देंगे हम बच्चा। डॉक्टर साहब से कहेंगे आपके सुपर छोड़ के जा रही हूँ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा अच्छा तंदुरुस्त है, 2.5-3 किलो का बच्चा है, बच्चा बहुत बढ़िया है बच्चा। बच्चे को वहाँ आसी में भर्ती करके फिर मैंने कहा मेरे को घर छोड़वा दो, मेरे से पैर चला नहीं जाता, तो फिर मैं घर पे आई। अच्छा, बच्चा भी हॉस्पिटल में? बच्चा हॉस्पिटल में है। तो कह रहे थे कभी ऐसा हो तो मंदसौर ले जाना पड़े, इसको माँ का दूध तो जरूरी है। आपका नाम? मेरा नाम हबीबन है। एक नवजात बच्चे को कुछ परिजन, कुछ लोग और पुलिस के द्वारा यहाँ लाया गया हॉस्पिटल में, जो नाली में मिला था वो पूरी तरह से स्वस्थ है और फुल टर्म में हुआ है बच्चा, अपना समय अवधि पूरी करी उसने और फुल टर्म में पैदा हुआ है। नाली में मिला था कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था और साफ किया और बच्चा भी स्वस्थ है। अब अस्पताल प्रबंधन क्या करेगा आगे की व्यवस्था? नहीं, बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है, इसके आगे की जो भी प्रोसीजर है पुलिस को संभालना, इसके आगे उस बच्चे का जो भी काम है हमने पुलिस को सूचित कर दिया है, आगे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। खबर समय जगत के लिए मंदसौर से आशीष चावड़ा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।